पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एनसीसी निदेशालय ने आज चंडीगढ़ क्लब में प्लेटिनम जुबली हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें 18 से 35 वर्ष, 36 से 50 वर्ष, 51 से 65 वर्ष और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के भीतर 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 3 रन हुए। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को 1,00,000 रुपये तक का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का संचालन कर्नल उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में 10 चंडीगढ़ बटालियन एनसीसी द्वारा किया जा रहा है और इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं इस मौके पर एएनबी न्यूज ने मेजर जनरल हरदेव सिंह सोही के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए। आज एनसीसी की प्लैटिनम जुबली और हमारे साथ मेजर जनरल एचएस सोही हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से एनसीसी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक हम कह सकते हैं छोटा माइलस्टोन हासिल हुआ है, हम कहें कि प्लैटिनम जुबली मनाई जा रही है, तो पहले सर ये इवेंट कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और क्या चंडीगढ़ की बेसिक स्टार्टिंग है? तो आज के दिन जो है 27 नवंबर ये एनसीसी का रेजिंग डे माना जाता है। आज हमारा 75th रेजिंग डे है। सो यहीं पर नहीं, पूरे देश में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। एक बड़ा 3000 किलोमीटर का रन, यूनिटी रन जिसको कहा गया है, वो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक एक फ्लेम कैरी की जाती है और जिसमें एक रनर हमारे कर्नल बुधवार इस फ्लेम को कैरी करते हुए दिल्ली ला रहे हैं और साथ ही इसी तरीके के कई इवेंट्स पूरे देश भर में हो रहे हैं। चंडीगढ़ डायरेक्टरेट, जो एनसीसी डायरेक्टरेट हमारा यहाँ पर है, तो हम आज मेगा मैराथन, हाफ मैराथन यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है, जो कि आपके सामने अभी फ्लैग ऑफ की ऑनरेबल गवर्नर साहब ने 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रन इसमें बढ़ चढ़ के एनसीसी के कैडेट्स और चंडीगढ़ रनर्स ग्रुप इसमें भाग ले रहे हैं। सर, इस टाइम हम कह सकते हैं कि एनसीसी की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम बात करें एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है, कई चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जाती है, तो ये एनसीसी एक अच्छा मॉडल बोल सकते हैं जो उनको एक डायरेक्ट माइंडसेट देता है, एक गाइडेंस देता है, उसे कैसे देखते हैं कि इस टाइम कितनी ज़्यादा जरूरत बढ़ गई है इसकी? सी, यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एनसीसी तकरीबन 48 में शुरू हुआ था, बड़े ही हम्बल बिगनिंग हुई थी, लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 13,00,000 कैडेट्स पूरे देश भर में एनसीसी को ज्वाइन किया है। कह सकते हैं कि ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इस मौके पे ये बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें। अगर फिजिकल फिट रहेंगे तभी मेंटली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे तभी देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। सर, एक एनसीसी से जुड़ा हुआ एक काफ़ी माइंडसेट है, ज़्यादातर बच्चे इसमें इसलिए आते हैं उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, तो उनके लिए कुछ टिप्स, कुछ फोकस के लिए कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, किस चीज़ पे ध्यान दें? सी, पूरी ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ आर्मी में ज्वाइन करने का हमारा एम नहीं है, जिस भी फील्ड में जाए, ये 3 या 4 साल की जो ट्रेनिंग यहाँ पर करते हैं, बच्चे आपस में सीखते हैं, कुछ कैंप्स लगाते हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा मौका है, जिसमें ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, पढ़ाया जाता है उनको, मिलिट्री के बारे में भी सिखाया जाता है, लाइफ सिचुएशन, जो भी लाइफ सिचुएशन है किस तरीके से हैंडल करनी है वो इन्हें आ जाता है, और जब ये निकलते हैं बच्चे, इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। लाइफ की कोई भी सिचुएशन, नॉट ओनली इन द आर्मी, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो ये बढ़िया करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मेजर जनरल एचएस सोही, जिन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियर कट बता दी कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे बच्चे अपने फ्यूचर के लिए रेडी होंगे और अपने आप को चाहे किसी फील्ड में जाना चाहे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रख सकेंगे। कैमरामैन रजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज़।